नमस्कार साथियों, आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय नौखा के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का निर्माण कैसे करते हैं वो सब हमने सीखा था। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का निर्माण करते थे उसमें हमने 6 कंडीशन देखी थी। यदि वस्तु अनंत पर हो तो वो फोकस पर बनता है, फोकस पर हो तो अनंत पर बनता है। जब अनंत और सी के मध्य हो तो काम बनता है। जब सी और पी के मध्य हो, एफ के मध्य हो, अनंत और एफ के मध्य हो, इस तरह से हमने कुल मिलाकर 6 स्थितियाँ देखी थी। उसमें हमारा प्रतिबिंब की स्थिति थी वो बिंब के अनुसार परिवर्तित होते रहते थे। उसके बाद उसमें हमने देखा कि प्रतिबिंब है वो वास्तविक और उल्टा, और दो कंडीशन में हमारे अंतिम में सीधा प्राप्त हुआ था। आज हम पढ़ेंगे उत्तर दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। उत्तर दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण कैसे करते हैं, इसमें मुख्य दो ही कंडीशन होती है और इन दो कंडीशन में से एक ना एक कंडीशन आपके पेपर में पूछी जाती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहली कंडीशन क्या होती है। इससे संबंधने के लिए सबसे हमें ये जानकारी सबसे पहले हमें यह होनी चाहिए कि उत्तर दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। देखो, जब भी किसी दर्पण के समांतर, जब भी किसी दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आपतित होती है तो वह किरण उस दर्पण से टकराती है तथा परावर्तित होती है, और परावर्तन के पश्चात वो मुख्य फोकस बिंदु में से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। अवतल दर्पण की स्थिति में गुजरती है और उत्तर दर्पण की स्थिति में गुजरती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, तो इस दर्पण में हम देखते हैं उत्तर दर्पण में हमारी बिंब, जो हमारा बिंब है, जब बिंब अनंत पर हो, हमने बिंब को अनंत पर स्थापित करके रखा है। यहाँ बिंब अनंत पर है, यहाँ अनंत से किरणें आ रही है, पता नहीं अनंत पर बिंब कहाँ है, पर अनंत पर है, वहां से किरणें आ रही है। यहाँ से किरणें आएगी, ये किरणों के आने की दिशा, यहाँ से किरणें आएगी, दर्पण से टकराएगी और टकराने के बाद ऐसे परिवर्तित हो जाएगी, परंतु ये हमेशा मुख्य फोकस बिंदु को टारगेट करके ही परावर्तित होगी। यानी कि जब इन किरणों को हम ऐसे पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो ये जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को क्या कहते हैं, फोकस बिंदु कहते हैं, या मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, मुख्य फोकस बिंदु। तो इस किरण को यहाँ से ही किरण परावर्तित होती है और ये इस किरण की दिशा है, इस किरण को पीछे बढ़ेंगे। इसी प्रकार इस मुख्य अक्ष के समांतर नीचे की ओर एक किरण आपतित हो रही है, मुख्य अक्ष के नीचे की ओर एक किरण आपतित हो रही है, इसकी दिशा ये है। यहाँ से ये किरण टकरा के पुनः इस दिशा में चली जाएगी और अब इस किरण को हम पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो हमारे पास जहां दोनों किरणें टकराती है ये हमारा बिंदु होता है मुख्य फोकस बिंदु। अब ये उत्तर दर्पण किसी न किसी गोले का भाग था, ये उत्तर दर्पण ऐसे हम बना देते हैं कि ये उत्तर दर्पण किसी न किसी गोले का भाग था जिससे हमने यहाँ से उत्तर दर्पण को काटा। इस गोले का जो केंद्र है यहाँ, इसे हम क्या कहते हैं, सी, इसे कहते हैं सी, वक्रता केंद्र। अर्थात जब बिंब अनंत पर हो तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे फोकस बिंदु पर बनता है, दर्पण के पीछे, और कहाँ बनता है, फोकस बिंदु पर बनता है। ये प्रतिबिंब बहुत छोटा होता है इसलिए हम इसे चित्र में विजिबल नहीं करते हैं। ठीक है, तो आभासी और सीधा तो बनेगा, आभासी और सीधा तो बनेगा ही, क्यों, क्योंकि उत्तर दर्पण है, उत्तर ध्यान रखना आभासी, ठीक है, और सदैव सीधा। ठीक है, दूसरा अवतल, अवतल दर्पण की कंडीशन में हमारे पास होता है वास्तविक और उल्टा, पर सीधा भी होता है। ये कंडीशन इसके लिए दो कंडीशन होती है, उसमें ये सीधा प्राप्त होता है। ठीक है, तो उत्तर दर्पण है तो हमारे पास कैसा प्रतिबिंब प्राप्त होगा, आभासी और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होगा, आभासी और सीधा, और यहाँ लिखेंगे छोटा प्रतिबिंब। दूसरी कंडीशन, एक तो किरण अनंत से आ रही है और दूसरी कंडीशन होती है अनंत से लेकर दर्पण के ध्रुव, दर्पण के मध्य बिंदु पी तक कहीं भी वस्तु स्थित होगी तो वह दर्पण के पीछे मुख्य फोकस से पहले और ध्रुव के बाद में बनेगी। यानी कि अनंत और पी के मध्य वस्तु कहीं पर भी हो तो वो कब बनेगी, कहाँ बनेगा प्रतिबिंब, पी और एफ के मध्य, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस बिंदु के मध्य। तो हमने बनाया अनंत और पी, यहाँ पर क्या है, अनंत है, यहाँ पर क्या है, पी है, यहाँ के मध्य वस्तु थी ए और पी। दर्पण में दो नियम, पहला समांतर किरण आएगी टकराकर जिस बिंदु से गुजरेगी वो
फोकस बिंदु या नजर केंद्र प्रतीत होगी। दूसरा, वक्रता केंद्र पर जब भी कोई किरण आपतित होती है तो वह पुनः उसी मार्ग पर लौट जाती है। ठीक है, वक्रता केंद्र पर जो किरण आपतित होती है पुनः उसी मार्ग पर लौट जाती है, क्योंकि अवतल दर्पण में भी ये पड़ जाता है। तो देखिए अवतल दर्पण में हमें पड़ रहता है कि भाई अगर वक्रता केंद्र पर कोई किरण आपतित होती है तो पुनः वक्रता केंद्र में से ही गुजर जाती है। तो अब देखिए यहां हमारा वक्रता केंद्र है, यहां से एक किरण वक्रता केंद्र पर टारगेट करेगी। ये किरण हमने वक्रता केंद्र पर टारगेट की, ये किरण पुनः वक्रता केंद्र पर आ जाएगी और एक हमारे किरण कुछ समांतर आया और यहां से टकराकर चला जाएगा। इस किरण को पीछे बढ़ाएंगे तो ये F पर मिलेंगी ऊपर वाली गड्ढे से, जैसे C वाली किरण को पीछे बढ़ाएंगे तो ये कहां मिलेगी, C पर। दोनों किरण कहां काटती है, यहां काटती है, तो यहां पर हमारा प्रतिबिंब प्राप्त होगा हमें A-B-S। इस प्रकार उत्तल दर्पण में दो कंडीशन होती है, एक जब बिंब अनंत पर हो, दूसरी जब अनंत और B के मध्य हो। जब अनंत पर होगा तो फोकस पर पड़ेगा, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, अनंत और B के मध्य होगा तो P और F के मध्य बनेगा। अब इस मामले में क्या लिखा है, जब भी अनंत और P के मध्य कहीं पर भी हो प्रतिबिंब P और F के मध्य बनेगा, आभासी सीधा बनेगा। इसमें भी आभासी सीधा, इसमें छोटा था, इसमें बड़ा तो बनेगा परंतु बिंब से छोटा ही बनेगा, यानी कि प्रतिबिंब बिंब से छोटा ही बनता है। तो उत्तल दर्पण के हमने दो कंडीशन देखी और अवतल दर्पण की छह कंडीशन देखी, कुल मिलाकर छह और दो आठ कंडीशन। इसमें से एक नए कंडीशन का सवाल एक नंबर में आता है, एक नंबर का सवाल जैसे कि जो आपका 30वां क्वेश्चन आता है उसमें 1+3+1 का वो डिवीजन होता है, तो उसमें जो एक नंबर का क्वेश्चन है वो ऐसे आ सकता है कि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण समझाइए जब वस्तु अनंत पर रखी हो, तो वो बनाना है। जब वस्तु अनंत और P के मध्य रखी हो तो ये बनाना है। ठीक है, अब हमारा एक अगला सवाल है, वो भी बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन भी कई बार बोर्ड परीक्षाओं में आ चुका है और फिर से उस प्रश्न के बार बार आने की संभावनाएं जो है वो बनी रहती है। ठीक है, प्रश्न है कि गोलीय दर्पण में जो वक्रता त्रिज्या होती है R, वो फोकस दूरी की दुगुनी होती है। ये हमें सिद्ध करना है कि गोले दर्पण को अवतल भी हो सकता है और वो उत्तल के लिए भी सिद्ध कर सकते हैं, परंतु मुख्यतः हम अवतल दर्पण के लिए लेते हैं और किताब में भी आपका अवतल दर्पण से ही दे रखी है। ठीक है, अवतल दर्पण से अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की दुगुनी होती है। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है आर बराबर टू। इसके लिए हमें किसके लिए सिद्ध करना है, इसको हमें सिद्ध करना है अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए हमें इसको सिद्ध करना है। अवतल दर्पण के लिए सिद्ध करने से पहले हमें अवतल दर्पण का चित्र बनाएंगे, उसमें मुख्य अक्ष बनाएंगे, सी बनाएंगे, एफ बनाएंगे, डी बनाएंगे, एमएन द्वारा बनाएंगे। उसके बाद उसमें पहला समांतर किरण वाला नियम लगाएंगे, सी वाला नियम लगाएंगे, जितने भी नियम लग सकते हैं वो लगाएंगे, उससे कुछ त्रिभुज बनेंगे, उनमें हम परिवर्तन करेंगे, देखेंगे उस प्रकार हमें यह लास्ट में सिद्ध करने के लिए आर बराबर 2 होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक अवतल दर्पण बनाते हैं। हमने एक अवतल दर्पण बनाया, अवतल दर्पण में परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर यानी कि पॉलिश का होगी बाहर की ओर। अवतल दर्पण में हमें क्या बनाते हैं, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष को नाम देते हैं एक्स डैश, इधर एक्स। ये क्या है दर्पण का द्वारक एम एन, ये पॉइंट कौन सा है, पी पॉइंट। अब दर्पण के सामने यहां हमारा बिंब रखा है, दर्पण के सामने हमारा बिंब रखा है ए कोमा ए और बी। ए बी से कोई किरण आपतित होती है, ए बी से कोई किरण आपतित है, अवतल दर्पण है इसलिए यहां से गुजरती है एफ से। ठीक है, इसके लिए ये होगा। अब परावर्तन के नियम से, परावर्तन का नियम क्या होता है, आपतित किरण ये परावर्तित किरण दोनों के मध्य हम क्या खींचते हैं, अभिलंब खींचते हैं। ठीक है, इन दोनों के मध्य मैं यहां एक अभिलंब खींचता हूं, इन दोनों के मध्य क्या खींचेंगे, अभिलंब, क्योंकि ये आपतित किरण और परावर्तित किरण ही तो है, ये आपतित किरण ये परावर्तित किरण। इसको ऐसे बना के देखो आप, ये इस प्रकार है, इसकी इस पॉलिश है, ये यहां से यहां टकरा रहा है और यहां मैंने इसको क्या खींचा, लंब खींचा है, ये अनंत से आ रही है, इधर ए बी से आ रही है और यहां एफ पर टकरा रही है। ठीक है, इसको चित्र को ऐसे घुमा के देखो, परावर्तन ही तो हो रहा है और कुछ ज्यादा तो नहीं हो रहा है, इसलिए हम इसमें क्या एक लंब खींचेंगे, क्योंकि परावर्तन का नियम क्या होता है, लंब खींचना होता है परावर्तन में, तो हमने एक
लग खींचा तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होंगे आपतन कोणों पर आवर्तन कोण। मान लो ये कोण क्या है, थीटा है, थीटा, ये कोण भी थीटा। जब दो समांतर किरणों को, गणित का नियम है, जब दो समांतर किरणों को एक तिरछी रेखा या थिक रेखा काटती है तो उसके एकांतर कोण सदैव बराबर होता है। एकांतर कोण यानी कि ये कोण कितना है, थीटा है, मान लिया कोण, तो ये कोण भी कितना होगा, थीटा होगा। ठीक है, दो समांतर किरणों को एक तिरेक रेखा काटती है उसके एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। यहां देखो क्या ऐसी कंडीशन बन गई, एक समांतर किरण ये, एक समांतर किरण है, ये तिरेक रेखा काट रही है, तो ये कोण थीटा, ये कोण थीटा। अगर ये तिरेक रेखा माने, अगर ये तिरेक रेखा मानो, ये कोण कितना हो गया, थीटा, थीटा, 2 थीटा, तो ये कोण भी कितना हो गया, 2 थीटा। समझ आया, ये कोण 2 थीटा हो गया। अब इस दर्पण कोण, ये जो बिंदु है यहाँ पर बिंदु देते हैं O, OP को हम लंबवत रेखा मान सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही सूक्ष्म क्षेत्र होता है, इसलिए यहाँ से हम एक लंब खींच देते हैं OM। ठीक है, यहाँ से हम एक लंब खींच देते हैं OM, इसे OP के बराबर मान सकते हैं। अब देखो हमें लेना है त्रिभुज O, हमें एक तो ये लेना है त्रिभुज O, या इसको नाम दिया सी हमने OCM, त्रिभुज OCM वे एक त्रिभुज हमने बड़े वाला लिया जिसमें कोण कौन सा है, थीटा है, OCM ये वाला त्रिभुज, OCM ये वाला, ये वाला त्रिभुज OCM हमने त्रिभुज लिया। सेकंड त्रिभुज लेंगे हम ये छोटे वाला, 2 थीटा वाला, ये त्रिभुज लेंगे, ये त्रिभुज, इस त्रिभुज में कौन सा नाम है, OFN, एंड त्रिभुज OFN में, त्रिभुज OFN। तो पहले हम किस में लेंगे त्रिभुज, OCN में लेंगे त्रिभुज, OCN बड़े वाला है, इसमें क्या लगेंगे, कौन कौन सा थीटा, इसमें क्या लगेंगे, tan थीटा, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा, tan थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार, tan थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार, और लंब इसमें कितना होगा, इस त्रिभुज में O और लंब है, O M, आधार क्या है इसका, CN, आधार क्या है, CN, आधार CN है, इसमें जो लंब है वो O1 है और आधार क्या है, CN, O1 की वैल्यू हमारे पास कुछ है नहीं इसलिए O1 ही लिख के उसको CN, CN की वैल्यू क्या होती है, R होती है, वक्रता केंद्र से दर्पण के ध्रुव के मध्य की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या, एक नंबर का दोनों बार ये त्रिभुज लेंगे OFN, त्रिभुज OFN क्या लिखेंगे, इसमें क्या लेंगे, ये त्रिभुज tan, इसमें कोण कौन सा है, 2 थीटा है, tan 2 थीटा बराबर OF लंब बटा आधार, इसमें क्या है, FN, आधार FN ही है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, लंब इसमें, ये आधार इसमें लंब सेम, आधार है बड़े वाला CN। ठीक है, OM बटा FN, OM की हमारे पास कोई वैल्यू नहीं, OM ही लिखेंगे, FN की वैल्यू हमारे पास क्या है, FN क्या है, F और ध्रुव के मध्य की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी, F, दो, समीकरण में क्या होगी, दो। अब देखो ये जो दोनों कोण है ये कोण अति सूक्ष्म कोण होते हैं, इन कोणों को हम छोटा मान लेते हैं, तो tan थीटा होता है जो अत्यधिक कोण क्या है, अत्यधिक छोटे हैं, यहां लिखना है कोण अत्यधिक छोटे हैं, कोण क्या है, अत्यधिक छोटे, tan थीटा को लगभग थीटा लिख सकते हैं और tan 2 थीटा को लगभग हम क्या लिख सकते हैं, 2 थीटा लिख सकते हैं, tan थीटा को लिखा थीटा, tan 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं, 2 थीटा। इसलिए समीकरण हम चेंज करेंगे, tan थीटा बराबर क्या था, tan थीटा बराबर हमारे पास था OM बटा R, OM बटा R, तो tan थीटा को हमने क्या लिखा, थीटा बराबर OM ओवर R। ठीक है, तो OM बराबर क्या हो गया, R थीटा, ये समीकरण नंबर 3। अगला इसको हम 2 थीटा लिख सकते हैं, तो 2 थीटा बराबर ON अपॉन F, ON अपॉन F, तो ON बराबर क्या हो जाएगा, 2 थीटा F हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4। अब देखो जो समीकरण 3 है वो भी ON के बराबर है और जो समीकरण 4 है वो भी ON के बराबर है, यानी दोनों ON के बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड ON के बराबर है तो राइट हैंड साइड इस साइड वाले भी आपस में बराबर होंगे, इसलिए समीकरण यहां लिखना है समीकरण 3 व 4 से,
समीकरण 3 में चार से देखो r थीटा बराबर यहां क्या लिखोगे 2 थीटा f, थीटा से थीटा दोनों साइड कट जाएगा, r बराबर क्या बचेगा 2 f, ये क्या हो गया सिद्ध हो गया, हमें यही सिद्ध करना था r बराबर 2 f, यानी वक्र का त्रिज्या मुख्य फोकस दूरी की क्या होती है दोगुनी होती है। कैसे सिद्ध किया एक बार वापस देखते हैं, सबसे पहले हमने अवतल दर्पण बनाया, इसके मुख्य अक्ष बनाई xsx, इसमें हमने AB एक बिंब लिया, इसमें मुख्य अक्ष के समांतर किरण आती है और टकराकर F में से गुजर जाती है, प्रकाश के परावर्तन की घटना हो रही है, इसलिए हमने यहां अभिलंब खींचा O से लेकर यहां C बिंदु पर, ये कोण दोनों आपस में बराबर होंगे क्योंकि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, परावर्तन का पहला नियम। अब दो समांतर रेखाओं को एक तीर्थ रेखा काट रहे हैं तो एकांतर कोण सदैव आपस में बराबर होते हैं, ये कोण थीटा है तो ये कोण थीटा, ये कोण थीटा और थीटा 2 थीटा है तो ये कोण भी 2 थीटा, ये तो हमने बना दिया चित्र और यहां से OF लंब खींच दिया। अब हम एक जो छोटे वाला त्रिभुज OF है और एक बड़े वाला त्रिभुज OCN दो त्रिभुज हम लेते हैं, tan थीटा उस पर लगाएंगे, tan थीटा बराबर लंब OF बटा आधार CN, ओएन की वैल्यू कुछ है नहीं हमारे पास इसलिए ओएन नहीं रहता है, और सीएन की वैल्यू क्या होती है वक्र का त्रिज्या है सीएन आर, सेकंड हम लेंगे 2 थीटा tan 2 थीटा ओएन अपॉन लंब बटा आधार एफएन, एफएन की वैल्यू क्या होती है फोकस दूरी एफ, अब ये कोण अत्यधिक छोटे इसलिए हम tan थीटा को थीटा लिख देते हैं tan 2 थीटा को 2 थीटा लिख देते हैं, तो इस समीकरण से 1 और 2 से देखो tan थीटा बराबर ओएन अपॉन आर था तो थीटा बराबर ओएन अपॉन आर, ओएन की वैल्यू क्या आ गई आर थीटा, यहां हमारे पास ओएन की वैल्यू क्या आ जाती है आर थीटा। उसके बाद इसी समीकरण में इसी प्रकार tan 2 थीटा वाले में तो 2 थीटा बराबर ओएन अपॉन f, ओएन बराबर 2 थीटा f, गुणा हो जाएगी 2 थीटा बराबर से, अब ये भी ओएन के बराबर है और ये भी ओएन के बराबर है तो दोनों समीकरण आपस में बराबर होगी, तो r थीटा बराबर 2 थीटा f, यानी ये r थीटा और ये 2 थीटा आपस में क्या होंगे बराबर होंगे, इन दोनों का आपस में बराबर लिखा थीटा से थीटा दोनों साइड कैंसिल हो गया r बराबर क्या आ गया 2 f, इस प्रकार हम ये सिद्ध करते हैं। और ये क्वेश्चन आपके जो 30वां क्वेश्चन आता है उसमें जो तीन पार्ट आते हैं उसमें दूसरा पार्ट जो 3 नंबर का होता है उसमें ये आ सकता है, एक नंबर का तो 6 कंडीशन अवतल की थी और 2 कंडीशन उत्तल की थी उसमें से या फिर कोई भी परिभाषा, और सेकंड ये 3 नंबर का हो सकता है। ठीक है, धन्यवाद।